गेटिंग ऑन मीन्स के आप जब गेटिंग uh, ओल्ड हो रहे हैं अब बूढ़े हो रहे हैं वेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफकोर्स नॉट गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स एंड द आवर सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस द लैंडस्केप आपने बहुत देखा होगा कि आपके घरों में जो अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बैठे बैठे सो जाते हैं और जब आप उनको बताते हैं या आप उनसे पूछते हैं तो वो Uh, कभी भी इस बात पर नहीं मानते कि वो सो रहे थे लेकिन दिस इज़ वेरी नेचुरल कि जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो आप बीमार भी नहीं हो तो फिर नींद जो है वो ख़ुद बहुत से आती है यू गेट वेरी एट टाइम्स तो उसमें फिर क्या होता है कि उनके लिए चूँकि कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो वो उनका वक्त तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही गुजर रहा होता है ये तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ना खेलने के लिए निकल गए फ्रेंड्स को मिलने के लिए निकल गए फ़ोन कर लिया कोई गेम्स खेल लिए कोई बुक्स पढ़ ली तो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके पास ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती हैं दैट्स वाई उनके जो टाइम है वो बहुत आहिस्ता से गुजरता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लेजी कैटल जो हैं वो गुजर रहे हो इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स की बात स्टार्ट हो गई है कि जी जैसे ही ठंड आने वाली होती है ना जी जैसे ही वो आने वाली होती है ठंड एंड द डेज शॉर्टनड टिल इट वॉज़ एक्चुअली डार्क इनअ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर अब ये जो कॉल ओवर है ये इसको रिलेट किया गया आपके स्कूल के साथ क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है अभी हमें पता चलेगा कि मिस्टर चिप्स की सारी जो रूटीन है पूरे डे की वो स्कूल के अकॉर्डिंग चलती है तो वो शाम होने तक जो है वहाँ पर लाइट भी चलानी पड़ती है फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल माईर टाइम बाई द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट अब मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है जो अभी भी गुजार रहे हैं प्रेजेंट भी तो वो अपने पास्ट का जो है उसमें uh, सोचते रहते हैं मीन्स कि आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़े से उसमें हिंट्स देते रहते हैं थोड़ा सा तड़का लगाते रहते हैं अपने पास्ट को जो जगह जगह पर यानी थोड़ा सा पैच प्रेजेंट का आया तो उसमें एक पोस्ट जो है जैसे uh, आपके जो रोड के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सिग्नल्स लगे होते हैं या आपके जो लाइट्स uh, लगे होते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह से वो आपके प्रेजेंट के पैच के बाद एक छोटा सा पास्ट का सिग्नल आता है तो मिस्टर चिप्स इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं जी एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल अंडरलाइन दिस लाइन गर्ल्स ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि मिस्टर चिप्स कहाँ रहा करते थे वे डिट मिस्टर चिप्स लिव तो हमें ये पता होना चाहिए विकेट मिसिज विकेट्स हाउस जस्ट क्रॉस द रोड फ्राम द स्कूल कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको एड भी करनी पड़ेंगी हीड बीन देअर मोर देन अ डेकेड और उनको दस साल हो गए हैं रहते हुए अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे एम सी यूज में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो मिसिज विकेट के घर में रह रहे हैं

मिसेस विकेट जिनके घर में वो रहते हैं मालिक मकान जो है उनकी तो ये देख लीजिए कि जब से मिस्टर चिप्स ने अपनी मास्टरशिप छोड़ी है यानी वो रिटायर हुए स्कूल से उसके बाद से लेकर अब तक यानी इसका मतलब है कि दस साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब आपको राइटर बता रहा है तो वो ग्रीन टाइम वही है आपका जो टाइम हम नॉर्मली जो है आप अगर कभी अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अपनी घड़ी के ऊपर अपने जितने भी आपके डिजिटल अप्लाइंसिस हैं उनके ऊपर जब टाइम सेट करने लगते हैं तो वहाँ पर ग्रीन वेज टाइम जो एक्सटेंडेड टाइम है आपकी दुनिया में तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी सारी के सारी जो क्लॉक्स हैं टाइम जो है हमारा सेट होता है तो अभी उसमें फिर वो ऐड होता है कि पाँच घंटे आगे हैं हम दो घंटे पीछे हैं इस तरह से वो सेट होता है तो जो आपका जो मिस्टर चिप्स हैं और उनकी लैंड लेडी है मिसिज़ विकेट वो ग्रीनवेज टाइम फॉलो नहीं करते बल्कि वो ब्रुक फील्ड का जो टाइम है स्कूल का टाइम है यानी अब ये फ़र्स्ट पीरियड है अब ये सेकेंड पीरियड है अब ये ब्रेक टाइम है अब ये छुट्टी का टाइम है अब ये खाने का टाइम है तो वो जैसे जैसे स्कूल में टाइम चेंज होता है वैसे वैसे ये लोग अपने काम करते हैं मिसिज़ विकेट चिप्स वउट इन डेट ज की हाई पिश वॉइस बूढ़े हो चुके हैं तो आवाज़ तो जग करेगी दैट हेड स्टील गुड डील ऑफ स्प्रैटली नेस एन एट अभी तक उनकी आवाज़ में तरो ताजगी भी है यू माइट ब्रिंक मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप विल यू यानी कि मुझे नेक्स्ट पीरियड होने से पहले या ब्रेक होने से पहले या नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले मुझे चाय दे दें वेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयरस इट इज़ नाइस टू सेट बाई द फायर एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी एंड लिसन टू द स्कूल वेल साउंडिंग डिनर कॉल ओवर प्रैप एंड लाइट्स आउट ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी बोर्डिंग स्कूल में होती हैं कि अभी ये डिनर का टाइम है अभी कॉल ओवर है प्रेप है लाइट्स आउट है यानी अब रात हो गई है अब इसके बाद कोई काम नहीं होगा तो ये राइटर ने कहा है कि जी ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं आपके पास कोई और करने के लिए काम नहीं है तो आप आग जलाएं सर्दी का मौसम आ रहा है ना जी उसने ये बात की है कि ऑटम जो है वो ऑटम टर्म प्रोग्रेस कर रही है यानी सर्दी का मौसम आने वाला है तो उस वक्त क्या होगा कि सर्दी के मौसम में आप आग के पास बैठ जाएं और कप आप एक कप ऑफ टी पिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है चिप्स ऑलवेज वाउंड ऑफ द क्लॉक आफ्टर दिस लास्ट बेल देन ही पुट द कार्ड इन फ्रंट ऑफ द तो फायर यानी इसके बाद घड़ी को लाभ लगा लेता है टर्न आउट दैस टर्न आउट द गैस एंड कैरी द डिटेक्टिव नॉबल टू बेड ये वो 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 एक्टिविटीज़ हैं जो वो बेड पर जाने से पहले कर रहा है यानी उसने क्या किया है घड़ी को उसने अलार्म लगा लिया है फायर के सामने उसने वायर गार्ड रखा है और गैस को टर्न आउट किया है और डिटेक्टिव नॉबल लिया बेड पर चला गया इसमें से हमने जो अंडरलाइन किया अगर सिर्फ इतना भी लिख लेंगे दैट इज इनाफ रेयरली डिट ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली एक पेज भी नहीं को, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कुछ भी पढ़ने लगते हैं अपनी बुक लेकर जाते हैं कि जी आज तो मैंने बहुत सारा पढ़ लेना है और आपको नींद आ जाती है बिल्कुल मिस्टर चिप्स को भी इसी तरह से वो एक पेज भी नहीं पढ़ पाता था तो उसको नींद आ जाती थी मोर लाइक अ मिस्टेक इंस्टेंसिंग फाइंग ऑफ परसैप्शन दैन एनी चेंजफुल्ड फॉर दिस डेज एंड नाइट्स पर इक्वली फुल ऑफ ट्रीमिंग उसके लिए कुछ डिफरेंट नहीं था सारा दिन सारे रात वो सोचता ही रहता था ड्रीमिंग ही करता रहता था डे ड्रीमिंग का भी आपको पता है कि जागती आंखों से ख्वाब देखना तो वो जागती जो डे ड्रीमिंग वो कर रहा होता था अपनी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता था ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल कोर्स बिल्कुल बीमार नहीं था जी इन डीड एज डॉक्टर मैरीविल सेड डॉक्टर मैरीवेल जो है इसको अंडरलाइन हमने करना है कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर लीजिए जिसमें हमने पहले ऐड कर लिया मिस्टर चिप्स को और उसके बाद मिसेस विकेट को ऐड किया और अब हम डॉक्टर मैरीवेल को ऐड करेंगे उसमें तो डॉक्टर मैरीवेल जो है वो मिस्टर चिप्स के डॉक्टर हैं जो कि चेकिंग चेकअप करने के लिए आया करते हैं देर वॉज नियरली नथिंग द विद हिम अब वो बताते हैं क्योंकि कोई मसला नहीं है इसके साथ माई डियर फेलो ही और फिटर देन आई एम तुम तो मेरे से भी ज़्यादा फिट हो वेरी वेल वुड से सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी वेन ही कॉल्ड एवरी फोर्थ नाइट और सो पंद्रह दिन के बाद वो चेकअप करने के लिए आया करते हैं यू आर पास्ट द एज वेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेज़ यानी अब तुम्हारी वो उम्र गुजर चुकी है कि तुम्हें कोई हॉरिबल किस्म की डिजीज़ हो यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस और गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई ऑल अगर तुम कभी मरोगे तो तुम नेचुरल डेथ ही मरोगे यू आर सच ए रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट ओल्ड नेवर वन नेवर नोज बट वेन चिप्स है वैन ईस्ट वेन इज रोड ओवर द फिन लैंडस इन जब बहुत तेज हवाएँ चलती थी और वो जब आप हवा चलती है तो उसकी आवाज़ें भी निकलती हैं ना जी तो वह हवाएं जब चलती थी आपके जो लैंड्स हैं मार्च लैंड्स हैं उनके ऊपर तो फिर उसको जब ठंड लग जाती थी या हवाएँ तेज चलने लग जाती थी ठंडी हवाएँ मैरीवल वुड समेक विकेट इन द लॉबी तो मिसेस विकेट को मेरीवल साइड साइड पर लेके जाकर कहते थे एंड विस्पर उसको इस से कहते थे कि मिस्टर चिप्स को पता नहीं चले लुक आफ्टर हिम यू नो हिज चेस्ट इट बुथ स्ट्रेन हिस्स हार्ट कुछ ऐसा था कि जब ठंड लग जाती थी तो वो कहते थे इसका ध्यान रखें इसका सीना जो है इसका चेस्ट जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि इससे उसके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम ओनली एनोडोमिनी एनोडोमिनी ये जो हम लोग लिखते हैं जैसे अब दिस इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो वो दैट इज़ एनोडोमिनी जो कि हम काउंट uh, करते हैं अपनी ईयर्स को बट दैट इस द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेंट सबसे ज़्यादा जो डेंजरस um, होती है किसी के लिए भी हार्मफुल होती है या किसी के लिए भी पेनफुल होती है बहुत मोहलिक होती है तो वो यही चीज़ होती है कि वक्त नहीं गुजरता क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं करने के लिए एनाडामिनी बाय जॉब येस बॉर्न इन एटीन फोर्टी एट अंडरलाइन दिस लाइन हमें पता होना चाहिए वेन वॉज मिस्टर चिप्स बॉन तो मिस्टर चिप्स वज़ बॉर्न इन एटीन फोटी एट एंड टेकन टू द ग्रेट एक्जिबिशन इज़ अ टॉडलिंग चाइल्ड नॉट मैनी पीपल्स टिलइफ कुड टू थिंग लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने भी अपने बचपन में की होंगी आपके पेरेंट्स ने उनके आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने वो ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो कि आज के लोगों ने नहीं देखी हैं तो बिल्कुल उसी तरह से मिस्टर चिप्स ने जो है वो एक एक्ज़िबिशन एक देखी जो कि जो उस आज के ज़माने के लोग थे जिस वक्त ये नावल लिखा जा रहा तो उस वक्त के लोगों ने उनको नहीं देखा था मिसाइज चिप्स कुड इवन रिमेंबर बुक फुल इन वेदबस्ट टाइम जी मिस्टर वेदर बाई के टाइम में जो ब्रुकफील्ड था मिस्टर चिप्स को वो भी याद था जो किसी और को याद नहीं था अ फिन दैट वॉज मिसटर वेदर बाई ओल्ड मैन इन दोज डेज वेदर बाय ऐड कर लीजिए कैरेक्टर लिस्ट पर कौन है अभी भी पता चल जाता है जी वेदर बाय टाइम का मतलब ये है कि मिस्टर वेदर बाय का कोई कनेक्शन को है ब्रुकफील्ड के साथ तो ये uh, स्कूल के हेड रहे हैं जब मिस्टर चिप्स ने वहाँ पर ज्वाइन किया था एटीन सेवेंटी अंडरलाइन करेंगे हम 1870 सेवेंटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर जो हमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि वॉट हैपन इन एटीन तो या फिर हमें सेपरेट uh, uh, पूछा जा सकता है कि मिस्टर चिप्स ने कब जॉइन किया वन डिट मिस्टर चिप्स जॉइन द ब्रुक फील्ड स्कूल और वनडिट मिस्टर वेद बाय तो ये सब चीज़ें हमें पता होने चाहिए सेपरेट टी भी लेकिन हम लोग क्वेश्चन सिर्फ मेनली यही करेंगे वॉट हैपन इन एटीन सेवनटी तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने नंबरिंग भी किया है ईजी टू रिमेम्बर बिकॉज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वॉर फ्रांस की और प्रशिया की वॉर हुई है जी इसमें तो नंबर वन दिस इज़ फ्रेंको प्रशियन वॉर इसको अंडरलाइन किया और नंबर वन कर लिया आप सिर्फ नंबरिंग देकर भी लिख लेंगे दैट इज़ इनफ मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप नंबरिंग देकर भी लिख लेंगे फ्रेंको प्रशियन वॉर दैट इज इनफ चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुक फील्ड आफ्टर ईयर एट मेलबरी अंडरलाइन करेंगे ब्रुक फील्ड तो पुट इन फॉर की जगह हम लिख लेंगे ज्वाइंट ब्रुक फील्ड ठीक है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं आप इसको ऐड कर लीजिए चिप्स जॉइंट ब्रुक फील्ड नंबर uh, टू हो गया एटीन सेवेंटी में चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया जो कि मेलबरी के एक साल के बाद यानी मेलबरी में सर्व किया मिस्टर चिप्स ने सिर्फ एक साल तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन चूँकि हमें पता है कि एक साल सर्व किया तो दैट मींस कि नाइनटीन सिक्सटी नाइन से लेकर ना एट सॉरी एटीन सिक्सटी नाइन से लेकर एटीन सेवनटी तक मिस्टर चिप्स ने मेलबरी में सर्व किया होगा विच ही हैड एंड लाइट मिस चिप्स को मेलबरी पसंद नहीं था बिकॉज दी हैड बीन रैग दे गुड डील वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा रैगिंग uh, rag, की जाती थी उन सर्ल किया जाता था तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको पसंद नहीं थी बट ब्रुक फील यर लाइट ऑलमोस्ट फ्राम द बिगिनिंग यू रिमेंबर द डे ऑफ हिस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ये उनका स्टार्टिंग इंटरव्यू था जो वहाँ पर हुआ सनी जुलाई विद द एयर फुल ऑफ फ्लार्स एंड्स इन द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पेज जी जुलाई का मंथ है और वहाँ पर क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट की जो आवाज़ है प्लिक प्लॉक उसने उनको भी मेंशन किया है ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बांड हर्स्ट अंडरलाइन करेंगे हम नंबर थ्री ये चीज़ हो रही थी जी ब्रुकफील्ड का अ, मैच हो रहा था क्रिकेट मैच हो रहा था बांड हर्स्ट के साथ तो ये दो टीम्स जो है वहाँ पर क्रिकेट खेल रही हैं एंड वन ऑफ द बन हर्स्ट बॉयज चबी लिटिल अ ब्रिलियंट सेंचुरी क्वीर डेट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमरी सो क्लेयर अब इस पर राइटर कह रहा है कि जी बड़ी अजीब बात है कि यह सारी बातें भी याद है कि उसने सेंचुरी भी बनाई थी नेक्स्ट कम्स वेदर बाई सेल्फ वॉज वेरी फादरली इन कटियर्स अगर आपसे पूछा जाता है who was Mr. Weatherby? तो हमने बताया कि मिस्टर वेदर बाय वोज दैड ऑफ ब्रुक फील्ड स्कूल ज्वाइन से अब आगे चलते हैं जी ही मस्ट हैव बीन इल पुअर चैप ये मिस्टर uh, चिप्स के साथ उनका रिलेशनशिप अभी यहाँ पर बता रहा है राइटर कि जी हो सकता है कि वो वनों बीमार हों फ्री डाई ड्यूरिंग द समर वेकेशन अंडरलाइन करेंगे हम इसको नंबर फोर है जो 1870 की हमने हेपनिंग्स की बात किया है यानी मिस्टर वेदर बाई डाइड इन 1870 तो हम पूरा ना भी लिखें तो दैट इज़ इनफ बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनी वे चिप्स ऑफ एन थॉट इज ही सैड बैदर फार इट मिसिज़ बिकेट्स आई एम प्रॉब्बली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हुज अ विविड री कलेक्शन ऑफ ओल्ड वैदर बाय क्योंकि इसके अलावा और किसी को अच्छे से याद नहीं है मिस्टर वैदर बाय

यूथ एंड एज ऑफन का माइंड वेल गिव यूर एंथूजियाज्म फील्ड एंड ब्रुक फील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न एंड डोंट लेट एनिम प्ले ट्रिक्स विद यू जी ये हैं कुछ सजेशन्स जो कि मिस्टर चिप्स को दिए थे एक सजेशन आगे भी आ रहा है आई गैदर द डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉग पॉइंट एट मेलबरी वेल नो पर हैप्स नॉट सर

ही रिमेंबर दैट फर्स्ट रिमेंडर्स और डील ऑफ टेकिंग ट्रिप अब जी ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका एक्सपीरियंस होने वाला था जी वहाँ पर जो इसको आज भी याद है और वो क्या था जी सेप्टेम्बर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो सेप्टेम्बर की वो एक दिन था जी बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियन रेडी टू पाउसन हिम वो सारे के सारे जो हैं वो बड़े से हॉल में बैठे थे सारे के सारेजस बड़े ही आम, सेविटिस ही दैट इज़ अप्रोप्रिएट वर्ड रेडी टू पाउंस ने उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठे थे बिल्कुल जैसा कि आपने अक्सर मूवीज़ uh, में देखा होगा आपने ड्रामास में देखा होगा कि जब uh, कोई नया टीचर आता है इस्पेशली इन बॉयज कॉलेजेस जो कि uh, दिखाया जाता है मैं आपको रियलिटी की बात नहीं कर रही मैं आपको कॉलेज़ की और यूनिवर्सिटीज़ uh, की बात कर रही हूँ जो कि आपको मूवीज़ में दिखाए जाते हैं ड्रामास में दिखाए जाते हैं कि जहाँ पर एक नए आने वाले टीचर को क्योंकि रियलिटी में तो रिस्पेक्ट दी जाती है ना फर्स्ट ईयर को भी दी जाती है और नए टीचर्स को भी दी जाती है लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी बिल्कुल वो तैयार थी कि वो उसके ऊपर अटैक कर लें एज द रेजिटमेट प्रे हैज़ यूथ फ्रेश कम्पलेक्शन हाई कॉलर्ड एंड साइड वेस्कर्ट उस जमाने का फैशन था जी एट द मर्सी ऑफ फाइव हंड्रेड अनप्रिस्पल रफियंस सेवर्जर्स टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स अ फाइन आर्ट एंड एक्साइटिंग स्पोर्ट इन समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन ये उनके लिए एक ट्रेडिशन थी उनके लिए एक स्पोर्ट था एक फाइन आर्ट था कि नए आने वाले टीचर्स को तंग किया जाए तो वो सारे के सारे पाँच सौ बच्चे वहाँ पर बैठे थे डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली बट एज़ अ मॉब जब अलीहदा हैं तो बड़े डिसेंट इंडिविजुअल्स हैं लेकिन एज ए मॉब जब एक पूरे हजूम की सूरत में आप देखते हैं जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लैकेबल तो फिर बहुत पिटीलिस हैं बिल्कुल बेरहम कोई उनको तर्स नहीं है किसी के ऊपर द सडन टुक हज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस बिल्कुल खामोशी है दिस कॉल ही जूम टू कवर इज़ इन वर्ड नर्वसनेस अब उसने थोड़ा सा ना अपने आप को गुस्सा चढ़ाया हुआ है ताकि जो उसके अंदर की नर्वसनेस है बिकॉज ही इज़ गोइंग टू टेक इज फर्स्ट लेक्चर एंड दैट इन फ्रंट ऑफ फाइव हंड्रेड पीपल तो वो भी जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कुछ हो और हम टीचर के ऊपर अटैक कर दें या उसको मजीद नर्वस कर दें तो उसने एक आर्टिफिशियल गुस्सा चढ़ाया हुआ अपने ऊपर द टॉल क्लॉक टेकिंग बिहाइंड स्मेल वनिश द लास्ट ब्लड रेड रेस लैंडिंग एंड स्लैब्स थ्रू द स्ट्रेन स्टेन ग्लास विंडोज सम ड्रॉप्ड अ डेस्क ये चीज़ आपने याद रखनी है किसने डेस्क लिट को गिराया था और ये कम आपको आ जाता है क्वेश्चन के किसको पनिश किया गया सबसे पहले और क्यों पनिश किया गया क्योंकि उसने डेस्कलिट को गिराया था तो समन ड्रॉप्टर डेस्कलेट किसने गिराया वो आगे जाकर हम उसका नाम भी पता चल जाएगा क्विकली मस्ट टेक एवरी वन सरप्राइज अब जो था वो उसके लिए काम करना था या आ या पार डू और टाई वाली सिचुएशन थी उसके लिए ही मस्ट शो दैट देर वॉज नो नॉन सेंस अबाउट हिम उसने आज ये दिखाना था हर सूरत में जो कि मिस्टर वेदर भाई ने उसको uh, किया भी था सजेस्ट uh, भी के टेक अप अ फर्म एटीट्यूड द वेरी बिगनिंग तो वो अभी यही था फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन तो उसने वो करना था कि जी मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते यू देयर इन द फिफ्थ रो यू विद द रेड हेयर वट्स योर नेम कॉली सर सो वी केम टू नो दैट कॉली ड्रॉप्ड द डेस्कलेट किसने गिराया कॉली ड्रॉप द टेस्लिट वेरी वेल कॉली यू हैव अ हंड्रेड लाइन्स तो अब उसको पनिश क्या किया कॉली हैड हंड्रेड लाइन्स फॉर फॉर द डीड ही डेड फॉर द फॉर ही ड्रॉप्ड द टेस्कलेट ये जी पनिश किया उसको मिस्टर ट्रिप्स ने नो ट्रबल इट ऑल आफ्टर दैट ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड और उसके बाद सारे लड़के जो थे वो चुप करके बैठ गए उसने अपना फर्स्ट राउंड विन कर लिया था

जी इसको हमने अंडरलाइन किया है ताकि हमें पता चले कि ही वॉज द फर्स्ट बॉय एवर पनिश्ड माई मिस्टर चिप्स वैन आई केम ही ट्वेंटी फाइव ईयर्स अगो कि इसके ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बाद जो है वो सेकेंड कॉल ही आता है ही डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट नाउ हाउ दे अर्न लाफ्ट एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ट मेरी सन रोट होम द स्टोरी नेक्स्ट सन डेज लेटर सर रिचर्ड जो है ही इज बीन द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एज वेल एंड अगेन ईयर्स आफ्टर दैट मेनी ईयर्स अब ये कॉली को भी आपने ऐड कर लेना अपने कैरेक्टर लिस्ट में सर रिचर्ड को भी कर लीजिए एंड अगैन ईयर्स आफ्टर दैट मेनी ईयर्स आफ्टर दैट देर वॉज एन इवन बेटर जोक फिर अन कॉली हैड जस्ट अराइव एक और कॉली आ गया जी वो कौन था सन ऑफ द कॉली वॉज अ सन ऑफ द फर्स्ट कॉली यानी फर्स्ट कॉली का ग्रैंड सन आ गया है जी एंड चिप्स विद से पंक्चुएटिंग इज रिमार्क्स विद डैट दैट हेड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम अब ये मिस्टर चिप्स की हैबिट बन गई थी कि हर बात करते हुए वो बीच में पॉजिस लेता था और पॉजिज़ के दरम्यान में साइलेंट नहीं रहता था mm -hmm, करता था कॉली यू आर अ स्पलेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेडिशंस ये जो तुम्हारे अंदर वरसा चला आ रहा है ट्रेडिशंस का वो वो काम कायम है आई रिमेंबर योर ग्रेंड फादर ही कुड नेवर ब्रेस्ट द एपलेटिव एप्सोलूट ग्रामर में अच्छा नहीं था अस टूप इट फेलो योर ग्रेंड फादर एंड योर फादर टू आई रिमेंबर हीम यूज टू सेट एट दैट फार डेस्क बाय द वर्ल्ड ही वॉज एंट मच बेटर आई द बट आई डो बिलीव माई डियर कॉली दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट रोड्स ऑफ लाफ्टर सब हंसने लग गए क्योंकि उसने कहा कि जी तुम्हारा दादा बी रियड था तुम्हारा बाप बी रियड था लेकिन तुम उनमें सबसे बड़े फूल हो गए अ ग्रेट जॉक दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सा जॉक टू इन अ वे एंड अस्ट चिप सेट बाई दिसफायर विद विंडोज बाहर हवाएं चल रही हैं ठंडी और वो विंडोज़ के साथ टकरा रही हैं आवाज़ें बना रही हैं द वेज ऑफ ह्यूमन एंड सैडनेस ओवर हिम वेरी ऑफन अंटिल टीयर्स दैट मेन मिस हज विकेट केम इन विद हिस कप ऑफ टी शी डो नॉट नो वेदर ही हैड बी लाफिंग और क्राइंग एंड नाइदर डिट चिप्स हिमसेल्फ जब वो अंदर आई तो उसको पता नहीं था कि मिस्स हंस रहे हैं कि रो रहे हैं और मिस्टर चिप्स को ख़ुद भी पता नहीं चला दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर इसके बाद हम आ, करेंगे जी मिस्टर चिप्स के जो क्वेश्चन हैं Chapter number one hai. question Where did Mr. Chips live? What did Mr. Chips used to do before going to sleep every night? Number three, when was Mr. Chips born? Number four, what happened in 1870? Number five, who was Mr. Weatherby? Number six, what did Mr. Weatherby suggest Mr. Chips? Number seven, what was the real name of Mr. Chips? Number eight, who was the first boy ever punished by Mr. Chips? So this is all about your first chapter. Thank you very much in Allah Faith.